तेबजी, उका कहते हैं वो, थोड़ा थोड़ा होल्ड रखिए ना। हेलो मैडम, काम तो हो गया, कहाँ आना है? अभी बताते हैं तुमको, ठीक है? अभी फोन कर रहे हैं तुमको। अब देवर जी, और जहाँ पे भी आप हैं ना, वहाँ पे ना पालक पनीर बहुत स्पेशल डिश है। हाँ, और उसको कहिएगा थोड़ा मिर्ची कम डाले। उका है कि आप अभी फिलहाल बहुत तप रहे हैं। हाँ, हमारा फोन जल जाएगा। चलिए, हम फोन रखते हैं। क्या हुआ साहब? वो आदमी तो भाग गया। एक काम ढंग से नहीं होता तुझसे, तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। आलम, बैठू? मैडम जी, आप ठीक तो है ना? हम ठीक है, लेकिन यहाँ ये डेकोरेशन, हाँ केक भी है, हम घर कैसे आए? हम लाए हैं रागिनी, वो भी दुन्नो को जो है किडनैप करके। क्या क्या हुआ, आ गए ना दुन्नो हमारे चक्कर में? एक सेकंड, पहले तुमने हमें घर से बाहर भेजा, फिर हमें किडनैप करवाया। किडनैप करके भी घर वापस ही ले आया, एकदम अपने कमरे में। आई कैसा प्लान था? लेकिन ये आइडिया तो विशु जी का था ना? हाँ, देवर जी का प्लान था। अब हम जो है ना, उसमें थोड़ा सा अपना पालस कर दी उस प्लान में। प्लान देवर जी का ही था। लेकिन विशु जी तो हमें वहां मिले। ये विशु जी ना कितने अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं चला। बहुत बड़े कलाकार हैं देवर जी हमारे, बहुत बड़े कलाकार हैं। हाँ, बाबूजी के पास जाती हूँ, दुलारी दीदी के भरोसे छोड़कर आया उनको, ठीक है? हाँ, आप दोनों जो हैं सुगा और मैना की तरह जो है रोमांस करते रहिए, और वो बॉटल में ना जूस पड़ा है, आप पी लेना, बैजू सिस्टी पी लेना। हाँ, कुछ नहीं कर सकते तुम। पैसे? किस बात के पैसे? जब कोई काम ही नहीं हुआ है तो किस बात के पैसे दूंगा? कोई पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें, समझ आई? देवर जी, कहाँ हो गया? कौन काम नहीं कर पाया आपका? अरे हमें बताइए ना, हम कुछ मदद कर देंगे आपकी। आप बिना देखे कैसे लपुझने को जो है हायर कर लिए, अब फेल हो गए ना? लेकिन हम फेल नहीं हुए, हम जो है ना आज शाम को दुई दुई किडनैपिंग कराए हैं। वो एक को तो उठाए हैं होटल से, और दूसरे को पता है कहाँ से उठाए हैं? किसको उठाए हैं ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, या फिर हम नाम बताए? तो ये सारा प्लान आपका था? कहा देवर जी, आप भी पूरा प्लानिंग आपकी, और हमारा थोड़ी प्लान था, प्लान तो आपका था। हम जो है ना उस पे पलीता लगा दिए। जय, जीत का जश्न मनाई, लेकिन वो क्या है ना, एक हार से मेरे इरादे बदलने वाले नहीं। ये जो हार जीत है ना, ये आप ही देखिए, हम बस किसी के साथ ना कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकते, समझे? और हाँ, आपको एक ही सलाह देंगे देवर जी, सुधर जाइए। कहा है कि आज से हमारा आंख, नाक और कान आपके ऊपर है। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे।
तो लाइट ऑन करके गए थे, आप कैसे हुआ? बाबूजी, 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 मिस्टर जी, मिस्टर जी जल्दी आइए, बाबूजी आपको कौन है? ये पानी पानी। बाबूजी, बाबूजी, क्या हुआ बाबूजी को? बाबूजी, बाबूजी पानी। बाबूजी, बाबूजी, मिस्टर जी, नफ्स चल रहा है, आप फटाक से डॉक्टर को फोन कीजिए। डॉक्टर को फोन करता हूँ, एक सेकंड। बाबूजी कहाँ हो गया? बाबूजी, बाबूजी कहाँ हो रहा? हेलो डॉक्टर, आप प्लीज घर पे आ सकते हैं? जी। घबराने की कोई बात नहीं रागिनी, डॉक्टर ने कहा है कि बाबूजी एकदम ठीक हो जाएंगे। अगर बाबूजी को भी कुछ हो जाता तो, अगर हम सही समय पे नहीं आते तो? कुछ नहीं होगा तुम्हारे बाबूजी को, कुछ भी नहीं होगा। वो देखो, बाबूजी एकदम तंदुरुस्त और एकदम अच्छे हैं। और जानती हो डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे बाबूजी अंदर से एकदम मजबूत हैं। लेकिन मिस्टर जी, हम मजबूत नहीं हैं। बाबूजी जितना मजबूत भी, उनकी हालत देखिए, और ये बार बार क्यों हो रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है। भागिनी, जस्ट रिलैक्स, काम डाउन, मत करो, बाबूजी एकदम ठीक है, मैं कह रहा हूँ। मिस्टर जी, यहाँ कोई था? ये हमारा बहम नहीं है कि पता कहाँ है, क्योंकि जब हम यहाँ से गए थे ना तो हम लाइट ऑन करके गए थे, और जब हम वापस आए ना तो लाइट ऑफ थी। तो लाइट ऑफ कैसे हुई? वो जो कोई भी है ना, हमारी नजरों से ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकता रागिनी, क्योंकि कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया होगा। मैं एक बार फुटेज चेक करता हूँ, और वो जो कोई भी होगा ना, उसको सबसे पहले पुलिस में देंगे ना। जेल? यहीं, यही धरती पे उसको अगर नरक के दर्शन नहीं करा दिए ना, तो हमारा नाम रागिनी सिंह है। रिलैक्स, रिलैक्स। अब चेक कीजिए। कैमरा क्यों डीएक्टिवेटेड? शिट। कैमरा डीएक्टिवेट। कैमरा डीएक्टिवेट है। और ये कैमरा किसने तोड़ दिया? रागिनी छोड़ दो, हाथ मत लगाओ, कांच से तुम्हारा हाथ कट जाएगा। ये तो सारे सारे कैमरे इकट्ठे करके यहाँ पे तोड़ा हुआ है, ये कौन हो सकता है? छोड़ो रागिनी, चलो बाबूजी के पास चलते हैं। चलो इधर, जल्दी आओ। मिस्टर जी, कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? मेरा दिमाग खराब हो रहा है।
सामने आ जाएगा ना, मार देंगे अभी के भी उसको। रागिनी रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ बाबूजी, एकदम ठीक है। लेकिन कब तक साथ रहे मिस्टर जी? उन पे बार बार हमले हो रहे हैं और फिर देखिएगा उन पे दोबारा हमला होगा, क्योंकि हमें जो लग रहा है ना, जो हमला कर रहा है ना, वो कोई इसी घर का है। ये तुम क्या कह रहे हो रागिनी? क्योंकि मिस्टर जी, जब जब बाबूजी पे हमला हुआ है ना, किसी के बाहर से अंदर आने का कोई सबूत नहीं मिला है। हाँ, और हमने सीसीटीवी कैमरा लगाया है हर जगह, ये बात किसको पता होगा? किसी घर वाले को ही पता होगा ना, बाहर वाले को तो नहीं पता होगा। आप ही बताइए, हम गलत कह रहे हैं क्या मिस्टर जी? घर पे स्पाई कैम्स लगे हैं, ये बात सिर्फ तुम्हें और मुझे पता है, और किसी को पता है नहीं ना। ये सिर्फ हम दोनों को पता है रागिनी। यहाँ वो देखो सामने, ये हमारा परिवार है और यहाँ सब एक दूसरे के भरोसे से जीते हैं रागिनी। ये सब हमारे अपने लोग हैं जो हम सबसे, तुमसे बहुत प्यार करते हैं और बाबूजी की बहुत इज्जत करते हैं। कोई क्यों इनमें से कोई एक भी तुमको दुख पहुंचाना चाहेगा? रिलैक्स रागिनी, आज के बाद बाबूजी यहाँ अकेले नहीं होंगे। या तो मैं उनके साथ होऊंगा या तुम उनके साथ होगी, ठीक है? और ये रोना बंद करो, क्योंकि तुम्हारा चमकता हुआ चेहरा मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे रोती हो तुम, बिल्कुल नहीं अच्छी लगती हो। जाओ। एक तो हम बाबूजी पर आए हुए हमले से परेशान हैं, ऊपर से देवर जी अलग पगलाए हुए हैं। हमें इन पर भी नजर रखना पड़ेगा। हमारे रहते सृष्टि और बैजू के रिश्ते पर कोई आंच नहीं आ सकती। मैडम जी, हमको ना आपसे कुछ कहना है। कहिए। हम कहना चाहते हैं कि जिंदगी में ना, चाहे कैसा भी स्थिति हो, कैसा भी मौका हो, कैसा भी वक्त हो हमारा, हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। हम जानते हैं, आप हमें ये पहले भी बता चुके हैं, दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, दोबारा बोलना जरूरी है। कहा ना कि हम जानते हैं, हम बोल चुके हैं पहले, लेकिन बार बार बोलना चाहते हैं ताकि ना हमारा जो वादा है और भी पक्का हो जाए। थैंक यू सो मच। तुम जानते हो, हम बहुत लकी हैं। क्यों? क्योंकि हमें तुम्हारे जैसा हस्बैंड मिला। और क्या? आई का सूखा सूखा थैंक यू एकदम। तुमने क्या सोचा कि सरदार बहुत खुश होगा और इनाम में तुम्हें किस मिलेगी, ये सोचा? हाँ, गीली गीली पप्पी गाल में। सोचने दो, शायद मिले शायद नहीं मिले। अच्छा ठीक है, अपनी आंखें बंद करो। ठीक है, अब हम तुम्हें एक दूसरे तरीके से थैंक यू बोलेंगे। नो चीटिंग। मेरा वो बैजू मेरी सृष्टि के इतने करीब बैठा होगा कि उसे मेरी सृष्टि की सांसें महसूस हो रही होंगी। कहीं वो उसे नहीं, ये मैं नहीं होने दे सकता, नहीं होने दे सकता। मैं उस बैजू को
बैठो। कौन आया? देखना। देखते हैं। विशु जी, बहुत दर्द हो रहा है। सृष्टि, तुम्हारे पास ऑइंटमेंट पड़ा है क्या? मेरे पैर में चोट लग गई है। अभी देते हैं। आइए आइए, आराम से। लाइए, हम लगा देते हैं। भाई, तो बहुत चोट लग गया आपको, बहुत खून बह रहा है। कैसे लगा आपको? यार, मैं दर्द से मरा जा रहा हूँ और तुम पूछताछ कर रहे हो। रहने दो, मैं ही लगा लूंगा। मैंने भी खामखा तुम लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। वो आदत है ना मुझे सृष्टि को अपने आसपास पाने की। मैं जाकर तुलारी दीदी को जगा देता हूँ। अरे ऐसे कैसे? अरे विशु जी, एक सेकंड, अभी क्या कर रहे हैं? संभाल के, आपने हम दोनों को डिस्टर्ब नहीं किया है। लाइए, हम आपको ऑइंटमेंट लगा देते हैं। दिखाइए। अब नहीं, कोई बात नहीं। अरे हम आ जाते हैं आपके साथ थोड़ा सा। कोई बात नहीं, तुम जाओ। मैम, देवर जी, आपको चोट लग गया? आप कुछ लगाया उस पे? आपको बहुत ज्यादा लग गया क्या? क्या हुआ, कैसे? कोई बात नहीं भाभी, मैं बस कमरे में जाके आराम करूंगा। देखिए तो कितना ज्यादा घाव लग गया है। हाँ, हम एक काम करते हैं देवर जी, हाँ, हम मिस्टर जी को उठाते हैं और उनको यहाँ भेजते हैं, वो आपका ध्यान रखेंगे, है ना? रागिनी भाभी, छोड़िए ना, रहने दीजिए, हम जाके इनके साथ रह लेते हैं। कहा है अनुराग भाई को डिस्टर्ब करिएगा। हाँ रागिनी, बैठो, चले जाएंगे। मैडम जी, आप ना अंदर से दरवाजा बंद करके आराम से सो जाइएगा, हम ऊपर में। चलो, कम से कम ये दोनों आज की रात तो एक साथ नहीं गुजार पाएंगे। आगे के लिए कोई दूसरी चाल चलूंगा। भाभी जरा जगा दीजिए ना, निकलना है। सृष्टि, जाओ तुम भी आराम कर लो, जाके सो जाओ। ठीक है, गुड नाइट। अरे पहले तुम जाओ, वो तुम्हारा वो बर्थडे पार्टी अच्छे से बीता ना? सब बढ़िया हो गया, थैंक्स टू यू। थैंक यू। रागिनी, तुम जाओ। अच्छा ठीक है, फिर आराम कर लो। गुड नाइट। हम आज तक इतना बेकार आदमी कहीं नहीं देखे। पता नहीं कितना खुराफात भरा है इनके दिमाग में। पता नहीं आगे क्या करने वाले हैं। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। हम अंदर जाएं? नहीं, हम अंदर नहीं जाएंगे। बैचो को बाहर बुलाता है, लेकिन वो भी कैसे करे। अरे हम तो देखने आए थे कि सब कुछ ठीक है या नहीं। विशु जी आराम से सो गए हैं ना? विशु जी तो सो गए हैं, लेकिन हमको बहुत बेचैनी हो रहा है, नींद नहीं आ रहा। सच बताएं तो नींद तो हमारी भी उड़ गई है। चलो एक काम करते हैं, दोनों आग बंद करके सो जाते हैं, है ना? और तभी बनो एक दूसरे के सपने में आते हैं। अब तो हमारे मन का हर बात जाने लगी। हम तुम्हारे मन की बात जाने नहीं लग गए, तुम हमारे मन की बात जाने लग गए हो। ऐसे एक बात बताएं, तुम बहुत खतरनाक हो। यही खतरनाक का जो नाक है ना, आपके सामने झुक गया है। अच्छा? अच्छा, हम जा रहे हैं। गुड नाइट। पानी प्लीज। अब पानी हम देते हैं, रुकिए एक मिनट। लीजिए। बहुत दर्द हो रहा है।
दवाई दें आपको। थैंक यू। सृष्टि को पाने के लिए मुझे सिर्फ सृष्टि से नजदीकियां नहीं बल्कि इस बैजू को ही रास्ते से हटाना पड़ेगा।